Assalamualaikum students, myself Mohammad Athar Ali and I am here to teach you mathematics, so let's carry on. In the previous lecture, आपने factors and multiples chapter start किया था और उसमें आपने study किया था test of divisibility. आज हम आपको एक्सप्लेन करने जाएंगे सम टाइप्स ऑफ नंबर्स और फिर उन नंबर्स से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस एंड उसकी एक्सरसाइजेस और उसकी एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन की जाएंगी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट करते हुए आगे हम मूव करेंगे. फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर इज इवन नंबर्स. व्हाट आर इवन नंबर्स? इवन नंबर्स नंबर्स that number that is divisible by 2. ऐसे numbers जो 2 से divisible होते हैं वो even numbers कहलाते हैं. और if the number ends with 0, 2, 4, 6, 8 और अगर कोई नंबर 0, 2, 4, 6, 8 पे एंड होता है तो ऐसे नंबर को भी इवन नंबर कंसीडर किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 72, 8,964, 1,280 ये सारे नंबर्स इवन नंबर से बिलोंग करते हैं. बिकॉज आप देख सकते हो कि 72 टू पे एंड हो रहा है, 8,964 फोर पे एंड हो रहा है, 1,280 जीरो पे एंड हो रहा है. तो ये सारी ये आइडेंटिफिकेशन है कि ये इवन नंबर्स है. सेकंड आपको टाइप एक्सप्लेन करता हूं मैं, ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स बेसिकली क्या है? नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2. ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकते, उन नंबर्स को हम कहते हैं ऑड नंबर्स. ठीक है, ऑड नंबर्स की आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 13, 171, 815. दीज ऑल आर ऑड नंबर्स बिकॉज इनका जो एंड हो रहा है वो या तो 1 पे हो रहा है, ठीक है, या फिर 3 पे होगा, या 5 पर होगा, या 7 पर होगा, या 9 पर होगा. ऐसे नंबर जिनका एंड 1, 3, 5, 7, 9 में से हो, ऐसे नंबर्स को ऑड नंबर्स कहते हैं. या वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उन्हें ऑड नंबर्स कहा जाता है. ओके, थर्ड आपको इससे टाइप एक्सप्लेन करता हूं मैं, प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन बेसिकली क्या है? नंबर्स दैट हैव टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स एंड द नंबर्स इटसेल्फ. वन एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी ऐसा नंबर्स जिनके दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हो, एक तो वन हो और एक वो नंबर खुद अपना फैक्टर हो, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर्स कहा जाता है जिनका एक वन फैक्टर हो और वह नंबर खुद अपना फैक्टर हो, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहेंगे. इसकी एग्जाम्पल आप देखिएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and so on. इस तरह के आपने बहुत से काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में देखे हैं और पढ़े हैं और आपकी नॉलेज में है कि ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं या वन से डिविजिबल है या अपने टेबल में, तो उनको हम प्राइम नंबर्स कंसिडर करते हैं. एक और नंबर्स की एग्जाम्पल टाइप जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स की क्या डेफिनेशन है? नंबर्स that have more than two factors. ऐसे numbers जिनके दो से ज्यादा factors हों, यानी prime number की बात की थी हमने, तो उसमें one factor होता था और उसके साथ एक वो number खुद अपना factor हो, तो वो prime number consider किया जाता है. But
यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स की बात हो रही है, तो एक तो वन और उस नंबर को अलग करने के बाद मजीद जो है वो उसके फैक्टर्स हो, मजीद वो और किसी दूसरे टेबल में किसी और नंबर से डिविजिबल हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। दोबारा बात रिपीट करता हूँ कि ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों वो नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 9, 12, 15 and etc। आप यहाँ नोट करोगे 4 का फैक्टर 2 है, ठीक है, ये 2 में आता है और 1 में आता है। सिमिलरली 6 जो है वो 2 में आता है, 3 में आता है, 1 में आता है और अपने आप में आता है, सही है। इसी तरह आप 9 को देखोगे 1 में, 3 में और अपने आप के टेबल में, सही है। सिमिलरली 12 को देखो 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में और 12 अपने आप के टेबल में, सेमिलर है। इसी तरह लास्ट 15 को देखो आप 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में और 15 खुद अपने टेबल में। तो आप देखोगे इन सब के दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, सही है। तो ये नंबर्स इस तरह के नंबर्स क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। जब हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो प्राइम नंबर्स से ही जो है उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, प्राइम नंबर के ही। तो हमारे पास एक और पॉइंट वहाँ पे रेज होता है जिसे हम ट्रू और ट्राइन प्राइम कहते हैं। ट्राइन प्राइम बेसिकली क्या है, इन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स दैट हैज अ डिफरेंस ऑफ टू। प्राइम नंबर्स का पेयर, प्राइम नंबर्स का ऐसा जोड़ा जिसके दरमियान का फर्क, जिनके दरमियान का फर्क क्या हो, टू हो, ऐसे पेयर को, प्राइम नंबर्स के पेयर को हम क्या कहते हैं, ट्राइन प्राइम कहते हैं। उसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी है 3 and 5, 11 and 13, 17 and 19 and so on। अब आप देखिएगा 3 and 5, जब 5 में से मैं 3 माइनस करता हूँ क्या रिमेनिंग, 2 डिफरेंस, यानी इसके दरमियान का डिफरेंस क्या आया, 2 आया। सिमिलरली 13 माइनस 11 करता हूँ वहाँ भी 2 रिमेनिंग। इसी तरह 19 माइनस 17 करूँगा वहाँ भी क्या होगा, 2 आएगा। तो आप देखोगे कि तीनों सूरतों में डिफरेंस क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। तो हमें क्या पता चला कि ऐसे प्राइम नंबर्स का जोड़ा, ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर जिनके दरमियान का डिफरेंस 2 हो, उस प्राइम नंबर्स के पेयर को हम क्या कहते हैं, ट्राइन प्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइन प्राइम कहते हैं। प्राइम प्राइम के बाद हम आते हैं प्राइम ट्रिप्लेट्स पर। प्राइम ट्रिप्लेट्स बेसिकली क्या होते हैं, सेट ऑफ 3 सक्सेसिव प्राइम नंबर्स, द नंबर्स डिफरिंग बाय 2। अच्छा, ट्राइन प्राइम में क्या था कि पेयर था, ठीक है, पेयर था प्राइम नंबर्स का जिनके दरमियान का फर्क क्या था, 2 होना चाहिए। तो ऐसे प्राइम नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ट्राइन प्राइम। बट प्राइम ट्रिप्लेट्स कब कहलाते हैं, जब 3 यानी 3 प्राइम नंबर्स का सेट हो, 3 प्राइम नंबर्स का ग्रुप हो और उन तीनों के दरमियान का फर्क क्या हो, 2 हो। तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे सेट को हम प्राइम ट्रिप्लेट्स कंसीडर करेंगे। इसकी एक जो है वो एग्जांपल है, वो क्या एग्जांपल है, 3, 5, 7। आप नोट करोगे 3 और 5 के दरमियान का जो फर्क है वो भी 2 आता है और 5 और 7 के दरमियान का जो फर्क है वो भी 2 आता है, ठीक है। तो इस सेट को हम क्या कंसीडर करेंगे, प्राइम ट्रिपलेट कंसीडर करेंगे, बिकॉज ऐसे 3 प्राइम नंबर्स का सेट या ग्रुप जिनके दरमियान का फर्क 2 हो, वो प्राइम नंबर्स के का जो ग्रुप होता है वो प्राइम ट्रिपलेट्स कंसीडर किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहां मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, 372, 196, 1471, 9061, 89, 400, ये कुछ नंबर्स हैं। इनको हम क्लासिफाई करते हैं कि ये इवन है या ऑड है। तो इसके लिए हम दो कॉलम्स बना लेते हैं, ठीक है। एक कॉलम बनेगा इवन नंबर्स का, ठीक है, और एक बनेगा ऑड नंबर्स का, सही, इवन नंबर्स का और ऑड नंबर्स का। अब 372 को आप देखिएगा, ये नंबर जो है वो 2,
अब आप नोट करोगे 372 टू पे एंड हो रहा है, सो इट मींस इट इज इवन नंबर। सिमिलरली 196 पे एंड हो रहा है। मैंने आपको एक पहचान बताई थी इवन नंबर्स की, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई नंबर्स अगर कोई इनमें से किसी डिजिट और कोई एक डिजिट किसी नंबर के लास्ट में मौजूद हो तो वो इवन नंबर कंसीडर किया जाएगा, तो 196 भी इवन नंबर। सिमिलरली 1471 ये नंबर जो है ना 2 पे एंड हो रहा है, ना 0 पे, ना 4 पे, ना 6 पे, ना 8 पे, बट ये एंड किस पे हो रहा है, 1 पे, और 1 क्या है, ऑड नंबर है, सो ये ऑड नंबर कंसीडर किया जाएगा 1471। सिमिलरली 9061 भी 1 पे एंड हो रहा है, ये भी ऑड नंबर में आ जाएगा। 89 ये 9 पे ऐड हो रहा है, और 9 जो है वो ऑड नंबर है, तो 89 भी ऑड नंबर में आ जाएगा। अब हमारे पास 400 है, 400 कहाँ है वो, 0 पर, सो 400 जो है वो क्या होगा, इवन नंबर कंसीडर किया जाएगा। ये है इन इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स की क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट, इट्स होमवर्क टाइम, डू क्वेश्चन फन टू क्वेश्चन नंबर 4। आपको क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक ऑफ एक्सरसाइज 3B, एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन 1 टिल 4 पेज नंबर 42 पे मौजूद है, ये आपका होमवर्क है। इन 4 क्वेश्चंस को आपको अपने रजिस्टर में सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब तक हमने 2 चैप्टर्स स्टडी किए, चैप्टर 2 होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, और सेकेंड चैप्टर हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल स्टडी किया। उसका जो हमने आपको होमवर्क दिया है इन 2 चैप्टर से रिलेटेड, उसकी शॉर्ट समरी आपकी नज़रों के सामने मौजूद है। उम्मीद करता हूँ आपने ये होमवर्क बहुत इजी और आसानी के साथ किया होगा और बहुत ही क्लीन और नीट वर्क किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि अब तक के मेरे तमाम लेक्चर्स आपको समझ में आए होंगे और आपने बहुत इजीली उसको अंडरस्टैंड करके अपना कॉपी वर्क स्टार्ट किया होगा। आपका जो कॉपी वर्क हमारे पास आना चाहिए वो इस फॉर्म में आना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रजिस्टर कवर्ड होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, आपका नेम, क्लास, सेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग, कैंपस सब में उसमें मेंशन होना चाहिए। सेकेंड, जब आप वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप चैप्टर टाइटल बनाएंगे, मार्जिन ड्रॉ करेंगे, हेडिंग्स प्रॉपर डालेंगे, सब हेडिंग्स प्रॉपर डालेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हेडिंग्स ब्लैक पेन से आती हैं, सब हेडिंग्स ब्लैक पेन से आती हैं। उसके बाद जो हमारा स्टफ होता है, जो बेसिक स्टफ होता है, वो ब्लू पेन से होता है। सॉल्यूशंस हैं, ये सब आप किससे करेंगे, ब्लू पेन से करेंगे। उसके बाद आपका जो है वो हर पेज पे डेट मेंशन होनी चाहिए, जब न्यू वर्क करें तब डेट मेंशन करें, और इसी तरह प्रॉपर वर्क आप जो है हमें सबमिट करवाएं ताकि विदाउट एनी प्रॉब्लम हम आपको ये चेक करके वर्क पर वापस कर सकें। थैंक यू।